इनके लब रंगी की मिठाबल थी के जिसने छैनी का दूसरा सवाल और भी था कि ऑनलाइन डाटा एंट्री करके पैसा कमाना कैसा है, हलाल या हराम। तो ऑनलाइन डाटा एंट्री करके पैसा कमाना तो जायज़ है, बट डिपेंड करता है कि डाटा एंट्री किस चीज़ की जा रही है। अगर ये कि कोई जनरली बुक है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खिलाफ शरीयत नहीं है, वहाँ पे अगर आप डाटा एंट्री करके किसी जायज़ काम वाली डाटा एंट्री करके ऑनलाइन पैसा कमाते हैं तो ये जायज़ है। और अगर ऐसा है कि आप कोई ऐसे कारोबार के लिए डाटा एंट्री करते हैं, मसलन ये कि कोई शराब की कंपनी है और उसको अपने जो है ना अकाउंट वगैरह मैनेज करने के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए कुछ डाटा एंट्री करवाने के लिए, तो फिर ये जायज़ नहीं है। ये ऐसी तरीके से कोई नाजायज़ काम वाला बिजनेस है जिसके अंदर आप डाटा एंट्री करके उनकी हेल्प करते हैं यानी गुनाह के काम पे, तो वो जायज़ नहीं है। और अगर वैसे ही कॉमन डाटा एंट्री है, किसी बुक को पीडीएफ में से देख के वर्ड में टाइप करना है या कुछ डाटा को देख कर किसी दूसरे फॉर्मेट से उसको साइट के ऊपर एंट्री करनी है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। जबकि तहकीक पहले कर लेनी चाहिए कि कंपनी क्या है, कोई ऐसी नाजायज़ हराम काम ना करती हो कि आप उसके अंदर जो हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि गुनाह के काम में मदद करने को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है कि एक दूसरे की गुनाह के काम में मदद ना की जाए। तो इसीलिए अगर जायज़ काम की डाटा एंट्री तो उसको कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन दूसरे काम भी अगर आप करना चाहते हैं डाटा एंट्री के अलावा, जैसे ट्रांसलेटर की जॉब होती है, किसी और मज़मून को किसी दूसरी ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को फ़ारसी में, जो भी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, अगर वो आता है इस तरीके की डाटा एंट्री है कि लैंग्वेज उसमें चेंज करते हैं, तो उसमें भी हर्ज नहीं है, वो भी जायज़ है। इस किस्म के सवाल लोग पूछते हैं, तो अगर वो फॉर्मेट या कंपनी जिन्होंने जो काम दिया है वो जायज़ है और काम भी वो जायज़ है, तो उसमें की जा सकती है डाटा एंट्री, और ऑनलाइन डाटा एंट्री करके पैसे कमाए जा सकते हैं या ऑनलाइन दूसरे काम करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बिजनेस ऑनलाइन होते हैं। पुराने